हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, आज मैंने इंडियन पहना है क्योंकि आज हम जा रहे हैं दरगाह और उसके बाद हम जा रहे हैं टाउन, मतलब टाउन में ही जा रहे हैं दरगाह। मैं दरगाह के बाहर से ऐसा जाती हूँ सलामी देकर, बट अंदर नहीं जाती हूँ। तो मैं आज भी शायद अंदर नहीं जाऊँ, बिकॉज पता नहीं, अब बहुत सारे लोग शायद बोलेंगे कि मैं गलत हूँ कि अंदर जा सकते लेकिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे जो पीर होते हैं, जो वली होते हैं, मतलब जिन उनकी जो मज़ार होती है, तो मज़ार पे मतलब ऐसा सर नहीं टेकना चाहिए औरतों को। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मतलब मैंने ऐसे कहीं पढ़ी थी या सुनी थी कि उन लोग को, मतलब हम लोग विदाउट क्लोथ्स दिखते, तो मतलब हमें ये सब नहीं करना चाहिए कि उनके मज़ार पर जाके। तो दरगाह इसलिए बनी है बिकॉज़ उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए उनके लिए बनी है कि हम उनके दरगाह पे जाके उनकी मगफिरत के लिए हम दुआ करें। ऐसे नहीं, दरगाह पे लोग जाके दुआ करते हैं कि अरे हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए। ये सब नहीं मानना चाहिए, मतलब शिर्क है ये सब चीज़ें। पता नहीं, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं गलत बोल रही हूँ, पर मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, तो जो मुझे पता है मैं बता रही हूँ वो आपको। हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ आप यहाँ पर गलत हो, मतलब। बट इतना मैंने सीखी हूँ कि चूमना नहीं चाहिए वो सब चीज़ों को, मतलब, क्योंकि वो सब अच्छी बात नहीं होती, मतलब कि आप एक फीमेल रह के, और मुझे लगता है मर्दों को भी नहीं करना चाहिए ना। सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने होता है। बस अभी नीचे जा रहे, आज मेरी गाड़ी में मैं, मतलब अपने लिए और अपनी गाड़ी और ये सब की हिफाजत के लिए हम लोग को वो एक्चुअली वो लेना था, आयतुल कुर्सी या कुछ, तो बस वो लेने जा रहे। एंड आई एम एक्साइटेड क्योंकि कुछ लेने भी जा रहे ना, हम लोग शॉपिंग करने भी जा रहे हैं, तो मुनाज भी आ गई है, रेडी है मुनाज भी। मुनाज कल मेरे ही घर पे रुकी थी क्योंकि संडे था, और हमने इससे पहले वाली जो व्लॉग डाली होगी आप समझ ही गए होगे कि हमने इतना बड़ा पिज्ज़ा खाया था, तो उसके बाद में मुनाज का घर जाने का दिल नहीं हुआ था, मुनाज रुक गए। हाँ, तो बताना गाइस मैं कैसी लग रही हूँ। हम लोग थोड़ा इंडियन इंडियन पहन के जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं आज इंडियन पहनी हूँ, ठीक है, मैं जो कल शॉपिंग की थी, हाँ जो शॉपिंग की थी वही पहनी, तो मेरा पहन सकते थे वैसे कुछ। तो वैसे भी मैं स्कार्फ डालती हूँ तो इंडियन की जरूरत नहीं है। इंडियन तो मुनाज कैसा लग रहा है, मैं आजकल यूट्यूब पर एक्टिव हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही ग्रो करते जाओगे इंशाल्लाह अच्छी नीयत से। गाइज आप लोग बहुत बोल रहे हो होम टूर देने, मैं होम टूर इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि हमारा घर शिफ्ट होने वाला है, और मैं ये घर का भी होम टूर नहीं दूंगी, बट ये घर मैं शिफ्टिंग के टाइम पे आपको बताऊंगी कि कैसा था और क्या सारी चीज़ें थी, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। शिफ्टिंग से पहले इसका टूर दे देना ना। यस, मैं थोड़ी दूर से अच्छी लग रही हूँ, थोड़े पास से डार्क लग रही हूँ, देखो लाइट लाइटिंग मैटर्स, तो आपको थोड़ा ऐसा मेरा कलेक्शन दिख जा रहा है। चलो बाय गाइस, सी यू इन द कार नाउ। आपको पता है किसका वेट कर रहे होंगे। तो यस, उसके वीडियो में ये, मतलब मैं इतनी जल्दी अभी गाड़ी सीखना चाहती हूँ कि मैं बस अपनी गाड़ी में बैठूँ और खुद ही चला लूँ, मतलब मैं वेट ही नहीं करूँ। आती है वैसे मुझे, लेकिन मेरी कार न्यू है, मतलब अभी एक साल भी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं डर लगता है मुझे कि मैं कुछ ऐसा ना हो जाए, है ना, गाड़ी वाड़ी के साथ में, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। सो यस, चलते हैं। ये मेरी बिल्डिंग है, बताती हूँ आपको थोड़ा। ये देखो, इसको इसको इसलिए लेट हुआ, ये इंडियन क्यों पहन के आया तू? ऐसे ही हनुमान हो रहा था, हनुमान बन गया। क्यों पता है? क्योंकि ये दाढ़ी करा के आया गाइस। हस आज ऐसा लग रहा है कि हाँ, आज रोड भाई तैयार हो गया है, वरना ये अपनी निक्कर उसमें आ जाता है। ये ऐसे ही आ जाता है जैसा घर में सोया होता है ना। मेरी बॉडी इतनी अच्छी है ना। तेरी बॉडी के बारे में किसी ने पूछा नहीं? पूछा। बारिश हुई तो भीग रही हो, और तुम क्या हो इसमें आयो, क्या कहते हैं, माता की चौकी में आयो क्या? माता की चौकी जैसे दिख रही हो मैं? तुम्हारा तो मम्मी पहनती है ऐसे कपड़े। शट योर माउथ, ओके। चप्पल भी दिखाओ भाई, चप्पल भी पहनी हूँ मैंने, देखो कितनी प्यारी चप्पल। फॉर अ चेंज, नो शूज, नो स्लीपर्स, मतलब दूसरे, मैं मोस्टली फ्लिप फ्लॉप पहनती हूँ, बट आज पहने मैंने कुछ और। ये मेरी मम्मी के, मेरी मम्मी।
आस पास में रहूंगा जिंदगी भर। क्या चल रहा है इतने सारे लोग यहाँ पर मरीन ड्राइव पे? ये देखो ऐसा लग रहा है कुछ बट रहा है। लंगर लंगर लगा है, लंगर संडे मनाने आए गाइस। तुम्हारी गर्दन और कैमरा दोनों ऊपर तक नहीं पहुंच पाई है। अंबानी का घर कहाँ गया? ये वाला है। सॉरी ये वाला है गाइस, बस इतना ही अमीर होना है। प्लीज मेरे लिए दुआ करो, मुझे बहुत जरूरत है अमीर होने की। हम आए हैं मरीन ड्राइव, मेरी फेवरेट जगह है गाइस ये। और यस, मैंने थोड़ी देर पहले आपको अंबानी का घर दिखाई थी। अंबानी सर बोलो यार, बस उतना ही अमीर होना है। पता है उसका घर देख के अभी मुझे अंदर से कुछ हो रहा है कि मैं दिन रात स्ट्रगल करूं, बट स्ट्रगल करके क्या होगा। कि मेरे दादा ने इतना कुछ अगर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी रखे होते हैं ना, तो आज मैं रिलायंस के शेयर में 1,00,000 रुपए डाल दो सुबह 9 बजे, 3:30 से पहले एग्जिट मार लो, फायदा होगा। कितना? 1,00,000 रुपए डालो तो कितना आएगा? 1,00,000 रुपए डालेंगे तो मार्केट के ऊपर है, मेरा मार्केट होता तो मैं हर्षद मेहता नहीं होता। अच्छा, मुझे ये सब चीजें पता नहीं है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। वैसे मैं जो मेरे साथ में रहते नहीं उनको, और जो मेरे साथ रोज नहीं बैठते या फिर रोज नहीं घूमते, मैं उनको अपना दोस्त तो मानती नहीं हूँ। वैसे तो सलाम दुआई वाले दोस्त मानती हूँ, लेकिन फिर भी सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलने वाली थी अभी। वैसे अभी हमारा वैसे भी मुहर्रम गया है, तो हमारे लिए तो न्यू ईयर है। और अभी पारसी न्यू ईयर भी आने वाला है ना, उसकी भी छुट्टी मिलने वाली है। उसकी छुट्टी मिलेगी अभी मोनास को, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं बाहर जाए। क्या है, मैंने सोचा मरीन ड्राइव पे मैं उतरूंगी, बट ये भीड़ में तो मैं बिल्कुल भी नहीं उतर सकती हूँ, इतना ज्यादा क्राउड। संडे मॉर्निंग में मैंने सुना मरीन ड्राइव में डांस होता है। हाँ वो तो ठीक है, वो मैंने भी सुनी हूँ, लेकिन ये देखो हर जगह मतलब पब्लिक है, और ऐसे भी नहीं एक दो, इतनी सॉरी सॉरी है भाई साहब, कैसे होगा, लंगर बट रहा है यहाँ पे। हम पहुंच गए माशाल्लाह, दरगाह देखो गाइस कितने लोग हैं यहाँ पर। गाइस अभी हम जाने वाले अंदर, मैंने मास्क लगा लिया बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, और दुआ मांग लेनी चाहिए। लेट्स गो इनसाइड। सो गाइस हमारी ज़ियारत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने ये दुपट्टा इसलिए निकाली बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सो सॉरी। तो हमारी ज़ियारत हो गई है और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत पीसफुल लगता है ऐसा जाने। मैं अंदर तो नहीं गई, और मैं वहाँ पर कैमरा भी तो लेके नहीं कर सकती थी ना, तो इसलिए मैंने कुछ दिखाया नहीं। स्टार्ट में आपको दिखाया था मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स, तो सलामी कर देना और मगफिरत की दुआ मांग लेना, मतलब जो हम हमारे उनके लिए भी मांग सकते हैं जिनका इंतकाल हो चुका है या जो फौत हो चुके हैं, तो उनके लिए भी मांग सकते हैं दुआ। सो यस, बहुत अच्छा था। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे, टाउन टाउन जा रहे, टाउन में ही है मतलब। अभी जा रहे क्रॉफर्ड मार्केट, और इसने नमाज पढ़ी, वाह वाह मुसलमान, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए बहुत नॉन मुस्लिम लोग भी मतलब मानते हैं दरगाह नॉल को, तो दरगाह को और जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ना जाकर। फिर हमने थोड़ा सा खाना भी बांटा है, हाँ, और वो माहिम में भी हम लोग ने एक बार बांटा था, और मतलब करना चाहिए ऐसा, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ। मुझे पता नहीं अगर मैं ये चीज सही बोल रही हूँ या नहीं, पर मुझे अगर मैं सही गलत बोल रही हूँ तो मुझे करेक्ट करो, कि मजार पर फूल और चादर चढ़ाने से बेटर है कि आप किसी का पेट भरो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई करेक्ट कर सकता है मतलब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये देखो गाइस, इनकी कल ओपनिंग है, और ये हमारे फॉलोअर्स में से एक है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा प्रमोशन कर दूं फ्री में। तो ये देखो अभी इनकी कल ओपनिंग है, बट आज ही हम लोग ने स्टोर में से कुछ सामान लेने लग गए हैं। ये बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं है, मैं बस ऐसी बता रही हूँ बिकॉज मुझे अच्छी लगी। हाँ, ये सिपर्स देखो, हम यूजुअली कितने महंगी महंगी खरीदते हैं ना, पर यहाँ पर सिर्फ 300 में गाइस, वर्थ लेना, डू कम। ये यहाँ पर है देखो टाउन में, शादी के वहाँ। आज मैं बिना मास्क के आई हूँ टाउन। देखते हैं क्या होता है। मुझे पैम्पर्स लेना है, पैम्पर्स नहीं, पैम्पर्स लेना है। क्या हो गया था, कल बोलती है
मैंने बोला मुनाज मुझे ना पैंपर्स लेना है, टाउन जाएंगे ना तो मुझे याद दिलाना। बोलती पैंपर्स किसके लिए लेना है तुम्हें? मैंने बोली पैंपर्स नहीं मुनाज, पैंपर्स लेना है मुझे। मैंने पो पर में थोड़ा डिफेक्टिव पीस है। मुझे बहुत अच्छा लगता है टाउन आइए, पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारी चीजें है ना शॉपिंग की, तो मेरी जान आधी अटकी भी होती है। तो गाइस मैं अभी मार्केट में ज्यादा बता नहीं पाऊंगी, तो अभी बाय। तो अब अनार में चीनी नहीं है। सो ये अंकिल है यहाँ पर प्रॉफिट मार्केट में, हमें मिले हैं। यस, ये मैजिक ट्रिक्स बताते हैं अपने, इनके पास जरूर आना मैजिक देखने गाइस, ये अपने मैजिक बेचते भी है। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताई है इन्होंने हमें। ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, ट्रिक कपड़ा का आ गया, वापस आके दिखाओ। आपकी जेब में तो नहीं है? वापस आके दिखाओ। यस यस, एक मिनट। थैली दो, दुपट्टा पकड़ा। गायब गायब अभी क्या? ओह शिट, मेरे दुपट्टे में छेद तो नहीं हो गया? हमने ये भी ले लिया है माशाल्लाह, और ये देखो पैसे दिए फिर भी नहीं जाएगी ना। हाय बोल दे। ये अच्छा है, अच्छा है ये के रेड लेने का अच्छा है। ग्रीन अच्छा है ना, चलो ग्रीन लेते हैं। हाय शिफा।